तो नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आया हूँ मेरे गांव की छोटी सी पोस्ट ऑफिस पे और यहाँ पर आया है एक डेड सेट टॉप बॉक्स पश्चिम बंगाल के वर्धमान डिस्ट्रिक्ट से। देख लो, पश्चिम वर्धमान डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल, वहाँ से ये भाई एमडी आज़ाद भाई है कोई। इन्होंने 3 डेड सेट टॉप बॉक्स भेजे हैं इस पार्सल के अंदर। एक तो है क्लेन 8007, एक है वीजोन 888 और एक है सॉलिड का 6363। तो इन्होंने एक ही पार्सल में 3 डेड सेट टॉप बॉक्स भेजे हैं रिपेयरिंग के लिए। और उसके अलावा ये 4 स्लिपें आई है। कल परसों हमने कुछ बॉक्स रिपेयर करके भिजवाए थे वापस रिटर्न, तो उनकी स्लिपें जो है आज आई है। तो मेरा गांव का पोस्ट ऑफिस जो है छोटा सा है, यहाँ से अगर इनको कोई सामान देते हैं तो ये बड़े पोस्ट ऑफिस में भिजवाते हैं और वहाँ से 2-3 दिन या 4 दिन बाद ये स्लिप वो लोग भेजते हैं रिटर्न। कभी कभी भेजते ही नहीं है, उनको फ़ोन लगा के बोलना पड़ता है कि सर स्लिपें भेजो, तब जाके वो भेजते हैं। तो इसीलिए मैं तत्काल स्लिपें नहीं दे पाता हूँ किसी को भी। और ये है हमारे ईश्वर भाई जो कि बॉक्स को रिपेयर करेंगे और इनके चैनल का नाम है महादेव सेट टॉप बॉक्स रिपेयरिंग। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें या आप इनको भी रिपेयरिंग के लिए भेज सकते हैं इनके एड्रेस पे। और चलिए दोस्तों, ये बॉक्स ईश्वर भाई साहब खोल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है, इस पार्सल में आया है क्लेन 8007, वीजोन 888 और सॉलिड का 6363 पुराना मॉडल, GX6605 वाला। तो दोस्तों, मैं पहले ही क्लियर बता दूं, इस वीडियो में मैं डिटेल में रिपेयरिंग की प्रोसेस नहीं बता पाऊंगा क्योंकि 3-3 बॉक्स रिपेयर करना है। अगर आपको डिटेल में देखना है कि क्लेन 8007 या फिर वीजोन 888 या सॉलिड 6363 के बॉक्स को कैसे रिपेयर किया जाता है, अगर डिटेल में देखना है, सीखना है, तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने इन तीनों बॉक्सेस को अलग अलग वीडियो में बताया है डिटेल में कि कैसे रिपेयर करना है। और ये वीजोन का जो 888 का बॉक्स आया है, ये टूटा हुआ आया है। इन्होंने एमडी आज़ाद भाई साहब ने पैकिंग थोड़ी सी ख़राब करी, पैकिंग ठीक नहीं करी, इसके कारण ये बॉक्स ही टूटा हुआ आया। और ये है सॉलिड का 6363। और दोस्तों, इसको तो मैंने पेनड्राइव से ही रिपेयर कर लिया, कोई आईसी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये फिलहाल में 3 बॉक्स आए हैं, तो ये देख लो, आपको दिख रहे होंगे तीनों बॉक्स। तो ये RS-232 केबल है और ये प्रोग्रामर है। तो ये दोनों बॉक्स जो है ये सिर्फ केबल से हो जाएंगे, RS-232 केबल से, ठीक है। ये क्लेन 8007 और वीजोन 888 हो जाएंगे ना केबल से। और ये वाला जो वीजोन का ये सॉलिड का 6363 है, इसमें प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर पेनड्राइव से नहीं हुआ तो, और पेनड्राइव से हो गया तो प्रोग्रामर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सॉलिड के 6363 में। बाकी ये दो तो सिर्फ केबल से ही रिपेयर हो जाएंगे, ये जो दिख रही है केबल। और ये वाले में प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ सकती है अगर पेनड्राइव से नहीं रिपेयर हुआ तो। बाकी ये फ़िलहाल में वीजोन का जो 888 बॉक्स है, इसको हम ये केबल वगैरह से कर रहे हैं रिपेयर। देख लो, ऐसी केबल लगा लेनी है और उसको कंप्यूटर से अटैच करके GX डाउनलोडर बूट नाम का जो सॉफ्टवेयर होता है उससे करना है। बाकी आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो जी हाँ, ये जो वीजोन 888 का बॉक्स है वो हमारा सॉफ्टवेयर उस पर अपडेट हो रहा है। और माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, 3-3 बॉक्स रिपेयर करना है, इसलिए मैं सभी तीनों बॉक्स का डिटेल में वीडियो नहीं बना सकता हूँ। बाकी आप चाहे तो ये ईश्वर मंडलोई भाई है, इनके वीडियो इनके चैनल पे जाके भी आप देख सकते हो वीडियो। और ये वीजोन 888 का जो बॉक्स है पूरा टूटा हुआ आया था ऊपर से, तो पैकिंग का खास ध्यान रखें, पैकिंग अच्छे से करें, वरना ऐसा टूटा हुआ बॉक्स आएगा जिसको भी भेजोगे उसके पास। बाकी ये ईश्वर भाई जो है रिपेयरिंग कर रहे हैं तीनों सेट टॉप बॉक्सेस को। और ये ईश्वर भाई का चैनल भी है महादेव सेट टॉप बॉक्स रिपेयरिंग के नाम से, आप इनको भी भेज सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं। और ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और ये क्लेन 8007 ये बॉक्स भी हमने रिपेयर कर लिया है, आप देख रहे होंगे 0000 पहले एकदम रेड लाइट में था, एमडी आज़ाद भाई साहब ने भेजा था डेड बॉक्स। तो इसको हमने, ये सिर्फ RS-232 की केबल है, इसी से रिपेयर कर लिया है। और हम, और ये जो वीजोन 888 है ये भी हो गया रिपेयर। और माफ़ी चाहता हूँ, पूरा वीडियो तो मैं बना नहीं पाया क्योंकि
क्योंकि ऑलरेडी इस पे मैं डिटेल में वीडियो में बना चुका हूँ पुराने वीडियो में, वो ये देख लीजिए। सॉलिड का जो 63 है, सिर्फ मैंने पेन ड्राइव की मदद से इसको अपडेट कर लिया है, कोई मुझको इसमें फ्लैश आईसी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये आप भी कर सकते हैं, अगर आपको डिटेल में देखना है कि ये बॉक्स मैंने कैसे रिपेयर किया, तो आप चाहे तो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो या फिर कमेंट कर देना, तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। और ये देखिए, ये ईश्वर भाई कोई सा बॉक्स रिपेयर कर रहे हैं, पता नहीं किसी का कर रहे हैं बॉक्स रिपेयर। और ये जो विजन ट्रिपल लेट है, ये भी हमने रिपेयर कर लिया दोस्तों। तो आज के तीनों बॉक्सेस जो एक पार्सल में आए थे, वो सारे के सारे हमने रिपेयर कर लिए हैं। और अगर आपका भी कोई सा डेड बॉक्स हो और आपसे ना रिपेयर हो रहा हो, तो आप हमें रिपेयरिंग के लिए भेज सकते हैं। बाकी ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए दिन किसी और नए टॉपिक के साथ।